और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर छत्तीसगढ़ टॉप फाइव पर। महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कोविंद ने लगाई मुहर, शिवसेना ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। देश में आर्थिक सुस्ती का छत्तीसगढ़ पर नहीं हुआ कोई असर, सीएम भूपेश बघेल ने किया दावा, कहा सरकार की बेहतर रणनीति से बड़े रोजगार के अवसर। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, रायपुर में सीएम बघेल पुण्य मेले में हुए शामिल, खारून नदी में किया स्नान। बेमेतरा के उमरिया में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, 100 करोड़ से बना पुल, लोक निर्माण के सौदन में जगह जगह हुए गड्ढे, कलेक्टर ने दिए मामले की जांच के आदेश। दरियाबंद के अमामोरा गांव में हाथियों का आतंक, 25 हाथियों के झुंड ने लाखों की फसल की बर्बाद, वन विभाग की टीम रख रही हाथियों पर नजर। देशभर में मंदी का असर देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े कंपनी डूबने के कगार पर हैं, एक साथ हजारों कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन प्रदेश के सीएम दावा करते हुए कह रहे हैं कि प्रदेश में मंदी का असर नहीं है, बल्कि प्रदेश में हजारों रोजगारों का सृजन हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, यह प्रदेश सरकार की बेहतर नीति रणनीति का ही असर है। शुरू से हमारी जो योजना थी कि जो पैसा है वो गरीब के किसानों के जेब में डालने से अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है, और ये छत्तीसगढ़ में ऋण माफी और 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी, 400 यूनिट का बिजली बिल आधा, और 35 किलो चावल और तेंदू पत्ता 4000 प्रति मानव बोरा के दर से जो खरीदी किए हैं, उसका ये परिणाम है कि यहाँ मंदी का कोई असर नहीं है, रोजगार के अवसर बढ़े। ठीक है, शुरू से और हमारे साथ छत्तीसगढ़ संपादक मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मनोज जी, जिस तरह से यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कोई मंदी का असर नहीं है और लगातार जो है प्रदेश बढ़ ही रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? एक आंकड़ा जारी किया है कि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आई है तो 10 माह में जो रोजगार सृजन के आंकड़े जो है वो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक 5,41,000 से ज्यादा लोगों को इस 10 महीने में रोजगार के अवसर सरकार की ओर से दिए गए हैं, और इस बात की विस्तृत जानकारी दी गई है, और इसमें खासतौर पर यह बताया गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर काफी मात्रा में रोजगार का सृजन किया गया है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में जो आंकड़ा बताया गया है वो केवल 20,000 लोगों को शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं इन 10 महीनों में, और बाकी पूरे रोजगार के जो अवसर मुहैया हुए हैं वो ग्रामीण इलाकों में हुए हैं, और उसमें बहुत सारी कैटेगरी बताई गई है कि जिस तरह से ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया जा रहा है और उसके तहत जो जो उद्यमिता विकास कराया जा रहा है, जो लोगों का कौशल उन्नयन कराया जा रहा है और उनके जरिए जो रोजगार दिया जा रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ये बताया गया है कि जिस तरह से नरवा गरवा घुरवा बारी जो प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का, उसके तहत किस तरह से महिलाओं को जोड़ा गया है, महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ा गया है, वहां पर जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम चल रहा है उसके माध्यम से कितनी महिलाएं इसमें एंगेज हुई हैं, इस तरह से काफी विस्तार से बताया गया है। और ये बताया गया है कि जो ग्रामीण इलाकों की महिलाएं जो खाली घर में घरेलू काम ही करती थी वो अब घरेलू काम के अलावा जो है वो इस प्रोजेक्ट से जुड़कर, नरवा गरवा घुरवा बारी प्रोजेक्ट से जुड़कर पैसे कमा रही हैं, और इनका औसत आय जो महीने का बताया गया है वो 2750 रुपए प्रति माह की आय जो है वो ग्रामीण महिलाओं को हो रही, इस तरह से बताया गया है। तो अलग अलग जो वनवासी क्षेत्र हैं उन इलाकों के भी डाटा सरकार की ओर से मुहैया कराए गए हैं, उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो आदिवासी इलाके हैं जहां पर जंगल है वहां पर लघु वनोपज का जो संग्रह करने वाली महिलाएं हैं उनको किस तरह से काम दिया जा रहा है, जो स्कूलों में
गणवेश जो ड्रेस विद्यार्थियों को बांटे जाते हैं, उन ड्रेस की सिलाई ग्रामीण इलाकों में महिला स्वसहायता समूहों के द्वारा कराया जा रहा है, इस तरह से उनको रोजगार मिला है। तो ग्रामीण इलाकों में किन किन माध्यमों से जो है महिलाओं को और वहां के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी दी गई है। और एक आंकड़ा जो है वो सामने लाया गया है कि 5,41,000 लोगों को इन 10 महीनों में सरकार ने रोजगार दिलाया है। जी मनोज, वाकई भूपेश जी काम काफी अच्छा कर रहे हैं और हम देखें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, सुविधाएं भी मिल रही हैं। पर आप वहां पर पहुंचे होंगे, लोगों से बात की होगी, लोगों का क्या कुछ फीडबैक था, क्या कुछ कहना था और किन किन चीजों की जरूरत है जो वहां पर नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, अभी ग्रामीण इलाकों में निश्चित तौर पर इस सरकार में ये देखा गया है कि शुरू से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि उनकी प्राथमिकता जो है वो ग्रामीण विकास है, और इसीलिए उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरवा बारी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट पे सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है और उसी पे काम कर रही है। और सरकार का ये मानना है कि ये प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गांव में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। अभी प्रारंभिक तौर पर जो गांव में गौठान बनाए गए हैं उनके जो केयर टेकर नियुक्त किए गए हैं उन केयर टेकर में ज्यादातर महिलाएं हैं और महिलाओं को ही वहां पर केयर टेकर बनाया गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया जो आजीविका मिशन चलाया जा रहा है उसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को जो जिस काम में वो पहले से जिस काम को जानती हैं उसी में उनको दक्ष किया जा रहा है, उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जा रहा है। और कुछ एक गांव में हम जाकर उन लोगों से बात किए तो वो फिलहाल सरकार के प्रयासों से संतुष्ट दिख रहे हैं। हालांकि अभी बहुत कम समय है, इतने कम समय में आकलन करना कि केवल 10 महीने का समय हुआ सरकार को काम करते हुए और इतने कम समय में आकलन करना ठीक नहीं, लेकिन एक बेस जो तैयार होना चाहिए गाँव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसके विकास की जो बुनियादी चीजें हैं उसको तैयार करने की कोशिश सरकार ने की है। और लोग फिलहाल जो है आशान्वित दिखते हैं कि नहीं, सरकार ने जो ग्रामीण इलाकों के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं वो बहुत अच्छी योजनाएं हैं और इन योजनाओं पर लगातार जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है उसके आने वाले दिनों में बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो फिलहाल लोग जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में थोड़ी सी स्थिति विपरीत है, जिस तरह से पूरे देश में मंदी की स्थिति है और जिस तरह से लगातार चाहे उद्योग हो या दूसरे संस्थान हो सभी जगह छटनी चल रही है, उसका असर जो है शहरी इलाकों में दिख रहा है और शहरी इलाके के युवाओं में जरूर इस बात का थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी दिखता है कि जिस तरह से मंदी के चलते रोजगार के नए अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं और इसके कारण जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको एक चिंता जरूर सता रही है कि उनको रोजगार कैसे मिलेगा, खासतौर पर जो बड़े बड़े सेक्टर हैं उद्योगों के हैं, कारपोरेट हैं, वहां पर कोई नई वैकेंसी नहीं बन रही है। और जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, छटनी की खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे उद्योग जो है वो छटनी में लगे हैं, कारपोरेट जो है वो छटनी में लगे हैं, तो ऐसे में ऐसे युवा जो अभी पढ़ लिख कर निकलने वाले हैं, जो अपने सुनहरे भविष्य का सपना बुन रहे हैं, उनको क्या वास्तव में रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता जरूर सता रही है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए, अगली खबर पर भी आपके साथ जुड़ेंगे। और 2 करोड़ से ज्यादा के स्प्रिंकलर घोटाले की खबर पर मंत्री रविंद्र चौबे ने जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर न सिर्फ निलंबन होगा बल्कि FIR भी होगी। गौरतलब है कि ये बात सामने आ रही है कि कई किसानों के नाम पर दो दो बार स्प्रिंकलर लेकर करोड़ों रुपए डकार लिए गए हैं। कई बार एप्लीकेशन किसानों से लिया गया और उनको स्प्रिंकलर दिया गया तो इसमें कोई खामी नहीं, लेकिन अगर एप्लीकेशन लिया गया और स्प्रिंकलर नहीं दिया गया और कागजों में केवल उसका एडजस्टमेंट किया गया। और लगातार हमारे साथ छत्तीसगढ़ संपादक मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 2 करोड़ से ज्यादा के स्प्रिंकलर घोटाले की खबर अब आई है सामने, अब रविंद्र चौबे जी जांच की भी बात कर रहे हैं। देखिए, ये मामला पूर्ववर्ती सरकार का है जब किसानों को सिंचाई के नाम पर स्प्रिंकलर पंप बांटे गए थे और उस दौरान जो है सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी गई थी, लेकिन आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इसमें बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई है और इस बात
की जानकारी कृषि मंत्री ने दी है और कहा है कि इस संबंध में मामला प्रथम दृष्टया बहुत गंभीर लगता है और इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के पश्चात जो भी इसमें जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। जी चलिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।